गोजरी जबान में अपडेट सुनिए। कंट्रोल लाइन के उरार पार दुआ बखिया नाल ताल्लुक रखने वाला 11 रुकनी कश्मीरी वफद जनेवा में अक्वामे मुत्तहिदा की इंसानी कौंसिल का इजलास में भारत का गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की तरफों की जाने वाली इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ ना बड़ा मुअसर अंदाज में उजागर कर रहे हैं। यो वफ्त कुल जमाती हुरियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख का रहनुमामा सियासी रहनुमामा माहरीन तालीम और सिविल सोसाइटी का अराकीन वार मुश्तमल मंदोबीन मुख्तलफ सरगर्मियाँ मायसो ले रहे हैं और दुनिया की तवज्जा मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन सूरत हाल की तरफ मबजूद करा रहे हैं। वफ्त ने अक्वामे मुत्तहिदा का खसूसी नुमाइंदा बराए हक व तरक्की नाल मुलाकात की जिसमें उन्होंने तस्वीर कि भारत ने कश्मीर का सियासी माशी और माशरती हकूक समेत सब हकूक सलब कर लिया है और उन्होंने तनहा ते पसमानदा करके रख दी तो है। वफ्द ने अक्वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसल तो यह अपील की है कि वे कश्मीरियों की जान माल और इज्जत आबरू का तहफ़ वस्ते है अक्वामे मुत्तहिदा का तरीकाकार ना बरोहकार आने। वफ्द ने इस्लामिक तावन तंजीम की मुस्तकिल नुमाइंदा नाल भी मुलाकात की और उन्होंने दस्सी है कि मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की तेजी नाल बिगड़ती हुई सूरत हाल बैनुल अक्वामी बरादरी की तवज्जा की मुत्तकाज़ी है। उनको कहना था कि आने वेलो आ गयो है कि दुनिया ना मकबूजा खित्ता में आबादी का तनासब में तब्दीली की मजमूम भारतीय कोशिशों को नोट्स लेना चाहिए। कश्मीरी वफ्द ने अक्वामे मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वे कश्मीर में भारतीय फौज की तरफों इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की तहकीकात वास्ते एक तहकीकती कमीशन कायम करें।